नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है क्लास टेंथ गणित क्षेत्रमिति यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का इम्पोर्टेंट सूत्र बताने जा रहे हैं जो कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा गणित में सूत्र ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। गणित में सूत्र का जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं यानी कि हम बता रहे हैं क्षेत्रमिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो आप गणित में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव सही करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन है। यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, L BH यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ऑप्शन सी, 2 लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऑप्शन डी, 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। LBH होता है घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः R और H है तो इसका आयतन होगा। यानी एक शंकु की त्रिज्या जो है कि R है, सॉरी त्रिज्या तथा ऊंचाई, त्रिज्या R और ऊंचाई H है तो इसका आयतन। यानी डायरेक्ट समझिए कि एक शंकु की आयतन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1/3 πr² h। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है वेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। वेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन ए 2πr h, ऑप्शन बी πr² h, ऑप्शन सी 2πr², ऑप्शन डी πr h². तो वेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr h, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr², ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr l, ऑप्शन नंबर सी सही है। πr l शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में, तो याद रखिएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr l। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² यानी 4πr² गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गोले का आयतन है, गोले का आयतन है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³, गोले का आयतन है 4/3 πr³, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h, ऑप्शन नंबर बी सही है, बेलन का आयतन होता है πr²h। अगला प्रश्न देखिए, r त्रिज्या के गोले का आयतन होता है, r त्रिज्या के गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है किसी शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है, किसी शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है, जबकि त्रिज्याएं r1 और r2 है और ऊंचाई h है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, किसी शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई होता है l√√h² + √r1 − r2² ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, πl√√r1 + r2 + πr²1 + πr²2, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, πl√√r1 + r2, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई त्रिज्या की तीन गुनी है, यानी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई तीन गुनी है, तो h के जगह पर तीन गुना हो जाएगा, तो 3 जो नीचे आता है वह कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा यदि ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 3 गुनी है, तो πr³ होता है, ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें कैसा लगा, और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।